हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको भारत की एक ऐसी जगह की सैर पर ले जाने वाले हैं जहां के जंगलों में कई रंगों के पहाड़ पाए जाते हैं। चाय के बागानों से सजी पहाड़ियां, घुमावदार रास्ते, सुंदर सुंदर वादियां देखने को मिलने वाली है। एकदम मतलब प्रकृति की गोद वाली बात हो जाएगी, जिसे इंडिया का टॉप टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। जहां के कल्चर में तमिलनाडु की संस्कृति झलकती है और जहां के नेशनल पार्क में दुर्लभ जानवरों को रखा जाता है। ट्रैकिंग लवर्स की लिस्ट में ये जगह सबसे ऊपर आती है और जहां दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं मुन्नार की। जी हाँ दोस्तों, मुन्नार। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं खूबसूरत मुन्नार के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला, अरे हाँ हाँ वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मुन्नार दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल केरल में स्थित एक शानदार हिल स्टेशन है, जहां हर साल बड़ी संख्या में कपल्स हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जगह सिर्फ कपल्स के लिए ही है, बल्कि आप यहां फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ भी मस्ती करने के लिए आ सकते हैं और अपनी छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं। 187 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला मुन्नार की कुल आबादी 32,000 के करीब है। समुद्री लेवल से 1532 मीटर की ऊंचाई पर बसा मुन्नार किसी जमाने में ब्रिटिशर्स के आराम करने की जगह हुआ करता था। अरे भाई, इतनी अच्छी जगह है तो अंग्रेज भी क्या करें, यहाँ पहुँच जाते थे मस्ती मारने। मुन्नार को तीन नदियों की संगम स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मधुर पुजहा, नल्ला थन्नी और कुंडाली नदियाँ आपस में मिलती हैं। जहाँ इन नदियों का मिलन होता है, वहीं से मुन्नार का उदय होता है। मुन्नार शब्द एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है तीन नदियों का संगम। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों पर बिखरी हरियाली इतनी मनमोहक दिखती है ना कि आप भी मुन्नार बार बार आना चाहेंगे। मुन्नार को अगर हम मौसमी टूरिस्ट स्पॉट या फिर सदाबहार टूरिस्ट स्पॉट कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुन्नार हर मौसम में अलग नजर आता है। जैसे बरसात के मौसम में चाय के बागानों पर बिखरी ओस की बूंदें और चारों तरफ चमकदार हरियाली, गर्मियों के मौसम की मस्ती और सर्दियों में तो क्या ही कहने, मतलब मजे ही मजे। मुन्नार हिल स्टेशन को पहचान दिलाई है दूर दूर तक फैले चाय के बागानों, चल चल बहती नदियों, औपनिवेशीय बंगले यानी कि कॉलोनियल मेंशंस, झरने और सुहावने मौसम ने। यहाँ के जंगलों में कई रंगों के पेड़ नजर आते हैं। मुन्नार का इतिहास 10वीं सदी से माना जाता है। कहा जाता है कि 10वीं सदी में लोगों ने यहाँ पे बसना शुरू कर दिया था और जब ब्रिटिश शासन भारत में फैला तो पूरे मुन्नार पर उनकी ही हुकूमत चली। ब्रिटिशर्स के लिए मुन्नार रेस्टिंग पॉइंट था और साथ ही चाय की खेती के लिए और गर्मी से बचने के लिए सबसे जरूरी जगह भी। यहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम से ही बड़ी संख्या में चाय का प्रोडक्शन किया जाता है और आज भी मुन्नार में बने होटल्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और घरों में ब्रिटिश वास्तुकला की साफ झलक देखी जा सकती है। मुन्नार में मलयालम और अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है और मुन्नार भले ही केरल का पार्ट हो, लेकिन यहाँ तमिलनाडु की संस्कृति भी साफ झलकती है, फिर चाहे बात पहनावे की हो या फिर खान पान की। मुन्नार का सबसे सुंदर पर्यटन स्थल है नील कुरीजी, जहाँ 40 से भी ज्यादा फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है। लेकिन हाँ, इनमें से सबसे ज्यादा नीले रंग के फूल यहाँ पे मौजूद है, जिस वजह से नील कुरीजी के पहाड़ नीले रंग के नजर आते हैं और यही वजह है कि इसे नील कुरीजी नाम दिया गया है। नेचर लवर्स के लिए नील कुरीजी जन्नत है तो वहीं पे फोटोग्राफर्स के लिए क्या ही बोलो, मतलब एकदम अद्भुत लोकेशन। आनामुड़ी चोटी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जो कि एराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर मौजूद है और ये नेशनल पार्क मुन्नार में ही मौजूद है। इस चोटी की ऊंचाई 2700 मीटर है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ ट्रैकिंग भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए एराविकुलम में वन और वन्य जीव प्राधिकारियों यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज की परमिशन लेनी होती है। बगैर उनकी परमिशन के ट्रैकिंग नहीं की जा सकती है। भैया परमिशन विशन ले लेना यार। मुन्नार में महिलाएं मुंडम नेरियाथु नाम के कपड़े पहनती हैं और इसकी सबसे खास बात यह होती है कि ये कपास के बने होते हैं और इन्हें हाथों से डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा त्योहार और शादियों में महिलाएं साड़ी पहनना पसंद करती है, लेकिन ये आम साड़ी से बिल्कुल अलग होता है और इन्हें सेट साड़ी कहा जाता है। पुरुषों की बात करें तो यहाँ पुरुष मुंडू नीचे लपेटते हैं और ऊपर शर्ट पहनते हैं। मुन्नार में मनाए जाने वाले त्योहारों में अट्टुकल पोंगल सबसे मेन होता है, जिसे धूमधाम से मनाया जाता है और ये त्योहार फरवरी से मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस पर्व पर सभी महिलाएं इकट्ठा होकर अट्टुकल देवी की पूजा करती हैं और मिट्टी के बर्तनों में गुड़, नारियल और चावल का प्रसाद बनाती हैं। इसके अलावा ओणम भी मुन्नार में बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं। ये 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल होता है, जिसमें लोग पूजा यज्ञ के साथ साथ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर नाचते गाते हैं, मस्ती करते हैं। ओणम में सर्प नाव दौड़ यानी कि स्नेक बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि इन गांवों में सांपों को दौड़ाया जाता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनमें सांप नहीं दौड़ते बल्कि इन नावों का जो शेप होता है ना, वो सांपों जैसा होता है। और आपको बता दें कि इस एक नाव में 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है। मुन्नार जितना सुंदर और अट्रैक्टिव है ना, उतना ही खान पान के मामले में लजीज और मस्त है यार। मांसाहारी शाकाहारी हर तरह का खाना मुन्नार में बड़ा ही टेस्टी बनाया जाता है। मुन्नार के खाने में आपको नारियल के तेल का स्वाद जरूर देखने को मिलेगा और यहाँ के फेमस फूड में डोसा,
डोसा, वड़ा, इडली, सांभर, अप्पम, फिश करी और नारियल की चटनी जैसी चीजें शामिल हैं। मुन्नार के मुख्य फसलों में चाय और मसाले शामिल हैं और शॉपिंग लवर्स यहाँ चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुन्नार में हैंडमेड चीजें सबसे ज्यादा और अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलती हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव और खास होती हैं। लकड़ी से बने सजावट के सामान मुन्नार में टूरिस्ट को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। और मुन्नार में घूमने की बात करें तो यहाँ एक से बढ़कर एक टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। मुन्नार को हनीमून डेस्टिनेशन यूं ही थोड़ना कहा जाता है। यहाँ न्यू कपल्स के कई बेहतरीन जगह हैं, जिनमें से एक है रोज गार्डन, जो कि मुन्नार शहर से करीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर मट्टू पेट्टी में स्थित है। ये पूरा का पूरा गार्डन सुंदर और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है। अगर दूध की तरह सफेद और कांच की तरह सफेद पानी कहीं देखना है तो मुन्नार के लक्कम वाटरफॉल की तरफ चले जाइए। चट्टानों से गिरता पानी और हल्की सी हवा जब आपके गालों को छुएगी ना, तो आप भी इस जगह से जाने का नाम नहीं लेंगे, बस बोलेंगे यही तो है जन्नत, और कहाँ है। ये झरना वाघबुरई घाटी की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। मुन्नार शहर से करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर पल्ली वासल में पुनर्जनी नाम का एक गांव है, जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। यहाँ हर दिन एक घंटे के लिए कलाबाजी का शो चलता है, जो फिल्मों से कहीं गुना ज्यादा रोमांचक होता है। जी हाँ, अब क्योंकि मुन्नार में चाय का प्रोडक्शन बड़ी संख्या में होता है, तो चारों तरफ चाय के बागान बिखरे पड़े हैं, और यहाँ पे एक टी म्यूजियम तो बनता है ना, तो बस यही सोचकर बनाया गया है टाटा टी म्यूजियम, जहाँ कई प्रकार की चाय की किस्में देखने को मिलती है। वहीं मुन्नार से 35 किलोमीटर दूर कुलुक्कू मलाई टी एस्टेट है, जो कि समुद्र तल से 7130 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और ये प्लांटेशन दुनिया में सबसे ऊंचा है, जो टेस्टी चाय के लिए फेमस है। मुन्नार से जीप द्वारा यहाँ पहुँचने में करीबन 52 मिनट का समय लगता है, और अगर आप कम समय के लिए मुन्नार आए हैं तो भी आपको यहाँ के चाय के बागानों में जरूर आना चाहिए। चाय के बागानों को घूम घूम कर आप थक गए हो तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ सभी दुर्लभ प्रजाति के जानवरों को रखा गया है, जो कभी कलाबाजियां करते नजर आते हैं तो कभी शांति से एक जगह पर बैठे नजारे का मजा लेते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में रहकर स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की सैर हो जाए, तो इंडो स्विस डेयरी फार्म आपके लिए सबसे मस्त जगह है। चारों तरफ बिखरी हरी हरी घास, यहाँ पर आपको तरह तरह की गायें देखने को मिलेंगी, बकरियां देखने को मिल जाएंगी, और साथ ही अगर मेरी तरह आप भी एक रात के लिए पेड़ों के ऊपर रहना चाहते हो तो मुन्नार में मौजूद ट्री हाउस जरूर जाइएगा। ये मुन्नार की सबसे अनोखी जगह है, जिसे पेड़ों से डिजाइन किया गया है। इसके अलावा आप मुन्नार में कलारी क्षेत्र, पलरा फॉल्स, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, राज हाई रेंज क्लब, फ्लोरिकल्चर सेंटर जहाँ रंग बिरंगे फूल सजे हुए हैं, चित्रापुरम, लोक हार्ट गैप जो कि खासकर ट्रैकिंग स्पॉट है, ऐसी बहुत सी जगह जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि मुन्नार को सबसे साफ सुथरा टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है। यहाँ की सड़कें घुमावदार हैं, साफ हैं और गड्ढे मुक्त होती हैं। मुन्नार घूमने के लिए अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। अगर आप मुन्नार घूमने के लिए परफेक्ट मौसम की बात करें तो दोस्तों मुन्नार एक ऐसी जगह है जहाँ कभी भी जाया जा सकता है। लेकिन हाँ, मुद्दे की बात करें तो मुन्नार में जाने का सबसे अच्छा मौसम है जून से लेकर सितंबर तक, और इस मौसम के मानसून के बारे में सोचकर आप थोड़ा सोच में जरूर पड़ जाएंगे, लेकिन सच तो यही है कि मुन्नार घूमने का सबसे बेहतरीन समय इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। पहुंचने के बारे में नजर डालें तो मुन्नार के सबसे नजदीकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से मुन्नार करीबन 107 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और यहां से आप टैक्सी, बस और ऑटो रिक्शा जैसे चीजों की मदद से मुन्नार पहुंच सकते हैं। कोचीन के लिए फ्लाइट आपको आपके नजदीकी एयरपोर्ट से मिल जाएगी, और अगर आप फ्लाइट की जगह ट्रेन से आना चाहते हैं, ये ऑप्शन तो आपके लिए अवेलेबल है। इसमें खर्चा भी कम आएगा और यात्रा का मजा आए हाय है एकदम मजा आ जाएगा। मुन्नार के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है अलुआ रेलवे स्टेशन, जो कि मुन्नार से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप बस, कैब या फिर टैक्सी की हेल्प ले सकते हैं, और मुन्नार में घूमने के लिए बस, टैक्सी या फिर ऑटो रिक्शा का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ कैब की भी सुविधा मौजूद है, और अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ से मुन्नार का डिस्टेंस ट्रेन या फिर फ्लाइट लायक नहीं है, उससे भी कम है, तो बस आप बस की मदद ले सकते हैं। चलिए आपको मुन्नार घूमने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दे देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुन्नार सर्दियों के मौसम में जाने वाले हैं तो याद रखें, गर्म कपड़े आपके बैग में जरूर होने चाहिए, क्योंकि फरवरी के मौसम में यहाँ का टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अगर आप मुन्नार जा ही रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की चाय जरूर खरीदें, ये बहुत कम कीमत में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यात्रा करते वक्त आपने अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रखा है, नहीं रखा है तो रख लीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है रास्ते में, क्योंकि कई बार आपको खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर बरसात के मौसम में यहाँ जा रहे हैं या किसी और मौसम में भी जा रहे हैं, तब भी रेन कोट आपके पास हमेशा होना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये है दक्षिण भारत का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल मुन्नार, जहाँ घूमने, नजारों का मजा लेने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और अपनी छुट्टियों में एक अलग ही एक्सपीरियंस कैमरों में कैद करके ले जाते हैं। वेल, वीडियो देखकर तो आप इस जगह की खूबसूरती के बारे में समझ गए होंगे। तो अब ये बताइए कि आप मुन्नार घूमने के लिए कब जा रहे हैं, और अगर आप मुन्नार गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया तो फटाफट उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।